गाइस, मैं सिमा पाया वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज हमारी जो वीडियो रहने वाली है, इस तरीके से कोई भी आपके पास हैवी लहंगा आता है, आपका अपना है, आपके बुटीक पे आता है, आप उसको किस तरीके से प्रॉपर फिटिंग देंगे, उसके लिए आपका क्या करना पड़ेगा, आज की हमारी स्पेशल वीडियो वही रहने वाली है। क्योंकि अच्छे से कई बार होता है कि अच्छे से आपका स्टिच नहीं हो पाता है, उसकी वजह से आपका लहंगा घूमने लगता है, लहंगे की अच्छे से गेटअप नहीं आती है। वो कब नहीं आती है, जब हमें इस तरीके से लहंगा है और कमर इसमें अब आप देख सकते हैं हमें 11 इंच इसको कम करना है। और कई बार क्या करते हैं, यहाँ से और साइड में से ये सिलाई लगा दी और हो गया, ऐसे नहीं करना होता है। कोई भी आपके पास इस तरीके से लहंगा आता है उसको प्रॉपर आप उसको खोलेंगे, जैसे हमने ये अंदर वाली बेल्ट भी खोल दिया और ये बाहर वाली भी पूरा खोल लेंगे, लाइनिंग को हटा देंगे। और अब आप अंदर से देख सकते हैं जो हमारी ये कलियां हैं, कलियों को हम क्या करेंगे, एक एक इंच सारी कलियों को नीचे तक हम स्टिच करेंगे, ठीक है, तभी हमारे ये प्रॉपर अच्छे से फिनिशिंग के साथ और बढ़िया बन पाएगा। तो आप इसी तरीके से अब हम इसको करके दिखाते हैं किस तरीके से करना है। और बेल्ट को भी हम दोबारा से ही लगाएंगे। और अगर इसमें लेंथ का इशू भी रहता है कि लेंथ ज्यादा रहती है तो हमें क्या करना होता है, इसको पूरा खोल के ऊपर से कटिंग हो जाएगी और जो हमारी बेल्ट है वो नीचे की साइड आ जाएगी। तो लेंथ भी आप प्रॉपर तरीके से करें, नीचे से कट कुछ नहीं करना है। और अगर आपका साइज ज्यादा है कमर के अकॉर्डिंग तो उसको सारी कलियों को आप दबा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी की हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसको अभी हम इसको कंप्लीट करके दिखाते हैं। जो हमारी कमर है वो हमारी 35 से 36 तक हमें इसमें रखनी है। अब हम अपनी ये कलियां दबानी स्टार्ट करेंगे। सारी कलियों को इसी तरीके से हमें हाफ हाफ इंच और 1/4 इंच हम ये दबाते चले जाएंगे। इसमें हमें सिलाई धीरे धीरे, हमें अपनी सिलाई धीरे धीरे चलानी है क्योंकि इसमें सुई टूटने का डर रहता है। अभी हम एक बार अंदर से देखेंगे क्योंकि हमें इसको यहीं पे अभी मिलाना है। तो जो अंदर हमारी ये एम्ब्रॉयडरी है, जो ये शीशे रहेंगे, हम उसको कट भी कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे बाहर की साइड आएंगे और इसको टच कर देंगे अपनी एम्ब्रॉयडरी के साथ। इसी तरीके से हम ये अपनी नेक्स्ट कलियों को भी दबा देंगे। अगर कोई मिरर नीचे आता है तो हम उसको तोड़ सकते हैं, अदरवाइज मिरर नहीं है तो हम सेम स्टिचिंग इसी तरीके से लगाते चलेंगे। इस तरीके का जो पीस रहेगा, धागा ज़्यादा कट होगा। जहाँ हमारी सिलाई छुटी है वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। सिलाई को हम हल्का सा बारीक रखेंगे। अब हमें यहाँ से बाहर की तरफ हम यहाँ पे इसको टच करेंगे। तो धीरे धीरे अब हम बाहर की तरफ आते जाएंगे।
अब हमारा यहाँ नीचे की तरफ ये हमारा जरकंद लगा हुआ है, उसके हम हल्की सी सुई को अपने पैर को ऊपर हल्का सा उठाएंगे इस तरीके से, और सुई को हल्का हल्का हाथ से हम घुमाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ हम इतने वर्क वाले काम में सुइयाँ टूटेंगी जरूर, सुई को तोड़ना है। और इसको आप जो आपका मेन फैब्रिक रहेगा उसको यहाँ पे मशीन पे रखेंगे। अब हम ये वाली कली और स्टिच करके फिर इसका एक बार मेजरमेंट करेंगे। एक बार हम इसको मेजरमेंट करेंगे, हमें कमर अपनी चाहिए 35 से 36 तक। अंदर की लाइनिंग है उसकी भी हम ये सारी कलियां दबा लेंगे और अपना सेम 35 इंच इसको भी रेडी कर लेंगे। सारी कलियों का मार्जिन इसी तरीके से दबाएंगे। इसको मेजरमेंट कर लेंगे। ये हमारा बराबर है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी बेल्ट है उसको आप देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया इसको ऊपर वाला और अंदर वाली है। अब इसको
ये हमारा अंदर वाली है, इसको इस तरीके से रख के और यहाँ पे ये हम सिलाई लगा देंगे। आप यहाँ ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हो, नीचे से भी। अभी हम इसकी ऊपर की साइड से सिलाई लगाएंगे, नीचे वाला अगर बड़ा आता है तो आने दो। मेरा सौंद नहीं करते बड़ो बड़ कर। अब ये साइड हम क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। इसमें पहले ना ऐसे चुप रहे। अब हम साइड से भी इस तरीके से पूरा सिलाई लगा देंगे। अब हम जो ये वाला फैब्रिक रहेगा इस तरीके से हमारे यहाँ से नारा डल जाएगा और सीधी सिलाई हम नीचे की साइड से लगा देंगे। दूसरी साइड से हमारा ये स्टिचिंग का है, इस फैब्रिक को हम इतना काट लेंगे। थोड़ा हम इसको बढ़ा ही रखेंगे और अंदर की साइड इस तरीके, ताकि कभी हमें खोलना हो तो हम इसको इजीली खोल भी सकते हैं। अब ये सिलाई हम ऊपर की साइड से लगाएंगे और जो नीचे वाला है उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे नारा डालने के चले। सिलाई को थोड़ा बड़ा रखेंगे और तब आप स्टिच करेंगे। इसको हम प्रॉपर नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम प्रॉपर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर हम इस पर स्टिचिंग कर देंगे और साइड वाली अब हम सिलाई लगा देंगे। क्योंकि हमारा ये एक्स्ट्रा है इसलिए हमें इस पर जिप नहीं लगानी है। अगर आप प्रॉपर फिटिंग का इसको बनाते हैं तो आपको जिप लगाने की नीड रहेगी, अदरवाइज़ आपका ये लूज़ है कमर से 2 इंच तक आपका लूजिंग रहता है, तो आप इस पर इतना मार्जिन छोड़ के, यहाँ से इतना मार्जिन छोड़ के 3 से 4 इंची तक का छोड़ के आप सीधी इस पर सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा फिक्स कमर का बन के रेडी हो गया है। इस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।